पर्ची उठा कर दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर, सब खुश हो गए। अक वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखे ना हम भी सोच रहे थे, इसने वही बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यू चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यू चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई, पक्की बात, वो उस दिन उड़क वहाँ खड़ा था, ऐसे रात ने वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनिया, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया जिस पे शक था, नौ और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन मरे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया कि यू चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यू पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का एक ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जस्ती, उससे भी पुलिस ने पूछा था ची की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बता दे जो मन में सोचते, ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी तो 20 जगह गुण गा दे, वह हमारी तो सच्ची बता दी थी उसने। तो पुण्यात्मा ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। तो क्या बताते हैं, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। मेरे मामा जी का गांव है खेड़ी दमकन सोनीपत में, और वहाँ एक गीसा पंथ का एक गीसा साहिब जिसको परमात्मा मिले थे, उसी का एक गीसा दास संत का ही शिष्य निक्की राम जी था। उसने गीसा साहिब जी की वचनों को आधार ना मानकर संसारिक जो आम लोक वेद के आधार से हठ योग करना शुरू कर दिया। उस हठ योग से उसमें सिद्धि आ गई, नींद ना हो, उसने दिन रात जागता रहता था। तो वहाँ एक आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम की स्थापना होने का कारण जब हमने पूछा तो बताया उन वहाँ के व्यक्तियों ने कि निक्की राम जी यहाँ एक बड़ी सी थी, बन था छोटा सा, उसमें बैठ गया आके और ज्ञान प्रचार करे और दिन रात जाग गए। तो वहाँ एक दो सेवक रहने लग गए, उन्होंने कहा यो महात्मा जी ना दिन में सोता ना रात में। तो लोगों ने छुप कर देखा कई दिन तीन, अग भाई सचमुच ना दिन में सोता ना रात में सोता, ये तो महाराजा पड़ा है। उसका उड़े एक आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिया, उसकी पूजा शुरू करने लगे हैं, और आज कुछ भी कोई ना उसका पल्ले। तो इस प्रकार हम भ्रमित हो जाते हैं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। जैसे आपको हम कई बार सुनाते हैं कथाएं, उदाहरण देते हैं कि ये मन जो है ये एक भूत समझो, और इसको यदि भक्ति पर लाए रखा तो ये ठीक से, अगर इसको भक्ति पर नहीं लगा तो बकवाद सूझता है, कोई और कोई भूतपना कोई गलत काम करवाता है, पाप की तरफ दौड़ता है, हमारे जान का खतरा बनता है। तो इसके लिए इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस मन को इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रखना चाहिए। तो इसका उदाहरण देते हैं हम कई बार, तो आपको ये कथा सुनाते हैं। एक साधु था और उसने ये सिद्धि कर ली। उस सिद्धि से क्या होता है कि किसी पितर को या किसी प्रेत को कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी साधना के कारण ईश्वरीय शक्ति से वो जो सिद्ध किया हुआ जो होता है वो सेवक रूप में प्रकट हो जाता है, वो केवल उसी को दिखाई देता है, ये सिद्धि उसकी साधना से ऐसा हो जाता है। एक संत के पास, एक तपस्वी के पास ऐसी सिद्धि थी, लेकिन उसमें एक अवगुण था कि उसको अगर काम ना बताया गया, वो सेवक प्रकट हो जाता था तो सिद्धि से, तो नहीं तो वो फिर उसको हानि कर देता। एक संत ने वो सिद्धि आती थी, उसने अपने चेले से भी वह सिद्धि करवा दी, लेकिन उस गुरु ने कहा चेले से, शिष्य के भाई मेरी अपसेंस में, मेरी अनुपस्थिति में
इस सिद्धि का तू प्रयोग मत करना। अब कुछ दिन के बाद गुरुजी चले गए सैर सपट्टे को कहीं दूसरे जगह पर। पीछे से चेले ने सोचा जो सिद्धि मैंने की है इसको परीक्षण तो करके देखूं। उसने वो सिद्धि प्रयोग कर दी। सामने एक जंद खड़ा हो गया, एक प्रेत सेवक बनकर। कहने लगा, महाराज बात सुन ले, यदि मुझे काम बता और काम नहीं बताओगा तो तेरी गर्दन दाबूंगा, मैं तुझे मारूंगा। तो चेले ने सोचा भाई काम बता दिया, बर्तन साफ कर दे, बर्तन साफ कर दिए मिनटा में। आटा मांग लिया, आटा मांग लिया, 10 मिनट मांग लिया, दो चार काम बताए वो मिनटा में कर दे। उन्हें सोची अच्छा मरिया भाई, और काम ना बताऊंगा तो भी मेरी गर्दन दबाओगा मारेगा। उसने गुरुजी को याद किया, एक मर गया मैं तो आज गुरुजी गलती होगी। इतने वो गुरुजी आ गए, वो गुरुजी कहने लगे रे क्या हो गया गुरुजी, यो मनु मारेगा ये ऐसे ऐसे खड़ा है, यो देख यो खड़ा, और काम बताऊं जब वह कर देता है मिनटों में। तो गुरुजी ने कहा भी मैंने तेरे से मना किया था बेटा, मेरी अब्सेंस में प्रयोग ना करना। पर एक काम करी, इसने कह दिया कि बांस ले आ, बहुत लंबा बांस ले आ। वो बांस ले आया, गुरुजी बोले इसको कह दे कि इसमें जमीन में गाड़ ले, खड़ा कर दे। उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। तो गुरुजी बोले इसको कह दे कि इस बांस पर चढ़े जा, उतरे जा, काम होगा जब मैं तेने बुला लूंगा ना, तू अपना यू काम लग्या रहे। तो ऐसे ही इस मन को कंट्रोल करने की विधि बताई परमात्मा ने। संसारी काम करे इतने तो काम में लगे, फिर इस राम नाम के बांस पर चढ़ाए जा, उतारे जा इस मन रूपी भूत को, इसने ठाली ना छोड़ा ना यू हानि कर देगा। ये मन जब भी भक्ति से दूर हो गया, इस राम नाम के बांस तो उतर गया, उसी समय देख लेना आपको लेकर डूब जाएगा, उसी स्थान पर जा छोड़ेगा जहां से शुरू हुए थे। तो ये बता रखा कि एक सिद्धि निस्वा सर जागे, दिन रात जागे। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे। एक सिद्धि जो सब सागर पीवे, एक अगस्त नाम के ऋषि जी थे, उन्होंने सारे जीवन में एक सिद्धि प्राप्त कर ली सारे सागर पीण की। एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरीय पावर है, ऐसी शक्ति है जो उसको सिद्धि कर लेता है। तो इसने कोई बात होगी थी कहा सुनी, तो अगस्त ऋषि ने एक ही घूंट में अपना सातों सागरों को पी लिया था। अपने आत्माओं, ये जो शक्ति है भगवान की वो ऐसी ही अटपटी होती है, आम आदमी इस बात को नहीं समझ सकता। ये तो वही समझ सकते हैं जो परमात्मा से परिचित हैं। उसने एक घूंट में सातों सागर पी लिए, इतनी सिद्धि उसको प्राप्त हो गई थी, लेकिन मोक्ष नहीं। फिर प्रार्थना करने पर कहते हैं वापस उसने कुरला कर दिया, सारे सातों सागर फिर परिपूर्ण हो गए। ये ऐसा हो जाता है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड सारे बीज रूप में ही थे और परमात्मा के पास सुरक्षित थे, परमात्मा के ही देन थी, परमात्मा ने इनको बनाया था, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहने का भाव यह कि ऐसी सिद्धि सातों समुद्रों को पी लेना और फिर भी मोक्ष नहीं, ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि कष्ट तंजारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक ससाणा गांव है सोनीपत जिले में, ससाणा, और ससाणा गांव में एक ईसाईपंथी से संबंधित था एक व्यक्ति साधक, नेकीराम परंपरा से। तो वही हठ योग करके उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। कैसी सिद्धि थी उसके पास, वहाँ के युताभी की बात है हमारे सामने की। कहते हैं इस महाराज जी तालाब में अगर निकल जाता है, कीचड़ में अगर निकल जाता है, इसके पैर के पानी ना लगता,
इसके पैर का जल गीला नहीं करता इसको। और कई बार लोगों ने देखा, व्यक्तियों ने, फिर वो महाराज बना लिया और सिसाने में उसका चिमटा गाड़ दिया, इतना बड़ा आश्रम बना रखा और नाम लिख दिया नारायण महाराज। वो नारायण नारायण क्रिया करता, उसका नाम में नारायण रख दिया, उसका वैसे वास्तविक नाम कुछ और है। तो इस तरह के ड्रामाबाजियों से हम भगवान से दूर होकर के इन सिद्धि युक्त व्यक्तियों पर आश्रित हो गए, जो वो भी जन्म बर्बाद कर गए और अनुयायी भी बर्बाद हो गए। अब हम अपने उसी पर आते हैं। तो शेख प्रीत जी, जब वो महाराज जी उनका शरीर छोड़ गया महात्मा, तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई परमात्मा गुरु जी कहा करते, जितना अधिक तप करोगे, शरीर को ज़्यादा कष्ट दोगे, भगवान निकटा होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो शेख फरीद ने सोचा भी भगवान के लिए तो मैं आया हूँ, परमात्मा के लिए ही सारा कुछ करने लगे हैं, और भगवान ने ना मिला तो फिर इस शरीर का करूँगा क्या। तो उसने 12 वर्ष तक घोर तप किया, अन्न भी नाम मात्र सा खाया, क्योंकि घना खाना खाणते मन में बकवाद गणी आवे, ये सोच के उसने, कहते हैं 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया, 12 वर्ष में 50 किलो एवरेज निकाल लो, रोज का 10 ग्राम बना है, 5 ग्राम अन्न, 5 ग्राम इतना का, और सूख के अस्थि पिंजर रह गया शरीर। तो उसने देखा कि बाहर अगर बैठता हूँ तो कौवे आ जाते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, मांस तो था ही नहीं। तो एक बार ऐसे बाहर लेटा हुआ था, कौवे आ गए, माथे पर बैठ गए, मर्त जान के अक्यू तो मरया पड़ा है, इतना वीक हो गए थे शारीरिक, और कहीं तन पर मांस दिखाई नहीं दिया, आंख देखी, सोची कव्या ने सोची आंख निकाल लें इसकी मुर्दे की। तब शेख प्रीत ने हाथ हलाया, हाथ जोड़ कर बोला भाई कव्यो मेरी आंखें मत खाओ, मेरे शरीर पर कहीं मांस शेष हो उसने चुन चुन के खा लो भाई, मेरी आंख आंख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, प्रभु के दर्शन करने के लिए मेरी आंख आंख छोड़ दो, मेरे शरीर पर से जो मांस बचा उसने खा लो तुम, मैं मना नहीं करता, इतना कहकर रोन लगी। फिर उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, आंख्या न कौवे फोड़ देंगे, गुरु परमात्मा दिखा नहीं, दर्शन हुए नहीं, न्यू कहकर और कुएं में लटक गया, पैरों का रस्सा बांध के धीरे धीरे रस्सा लटक ही रहा था, उसी पर खड़ा होकर तप करता था, उसी के वो रस्सा बांधा और कुएं में फांस लिया, पैरों का बांध कर धीरे धीरे नीचे लटक गया ताकि कौवे ना पहुंचे रेसे में 10-20 फुट नीचे, और रोन लग गया बुरी तरह, परमात्मा शरीर का अंत होने को हो गया, आपके दीदार हुआ नहीं, ऐसा दुर्भाग्य मेरा, मैं क्या करूंगा इस शरीर का, ये शरीर मुझे व्यर्थ, मेरा व्यर्थ गया, इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लग गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ किसी ना किसी रूप में। तो परमेश्वर ने वो रस्सा पकड़ के बाहर निकाल लिया, ऐसे खींच कर जैसे बाल्टी खींचा कर कुएं मत है। तो जब बिल्कुल ऊपर आ लिया शेख फरीद, परमात्मा ने ऊपर को खींच रखा था, तो शेख फरीद कहने लगा भाई कौन है तू, मुझे छोड़ दे, तंग ना करे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। परमात्मा ने पूछा क्या कर रहे हो आप, शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि मैं हूं वो परमात्मा जिसकी सबको चाहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक ना करे भाई, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा कि अल्लाह कैसा होता है,